हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल के क्लास में यानी कल के वीडियो में हम आपको बताए थे कि सारणिक के गुण, जहाँ पे हम लोग चार प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हुए थे ऑलरेडी। पहला गुण क्या था? तो पहला गुण था कि यदि हम किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल दें, यानी हम रो को इंटरचेंज कर दें किसमें, कॉलम्स में, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये पहला था। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग कि यदि सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ, यानी टू रो और टू कॉलम्स समान हो, यानी इक्वल हो या आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तीसरा हम लोग पढ़े थे वो ये था कि किसी भी सारणिक के पूरे एक पंक्ति और पूरा का पूरा एक स्तंभ का अगर सभी अवयव, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ के सभी अवयव यदि शून्य हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। और चौथा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे वो ये था कि किसी भी सारणिक के दो पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए या फिर दो स्तंभों को, यानी दो रो को या दो कॉलम को आपस में बदल दीजिए तो क्या होगा? तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई डिटरमिनेंट का वैल्यू तो वही रहता है लेकिन साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहेगा लेकिन साइन बदल जाएगा। तो चलिए आज हम आपको आगे बढ़ाते हैं, यानी हम इसके प्रॉपर्टी पांच से चलते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी पांच है उस पर हम आपको ध्यान दिलवाते हैं। चलिए तो पहला आज हम पहला स्टार्ट करते हैं वो है पांच नंबर प्रॉपर्टी। क्या कहता है पांचवा प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा। सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड उभय निष्ठ हो तो उसे सारणिक से बाहर लाया जा सकता है, यानी अगर कुछ भी कॉमन है तो हम उसको डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी का क्या देखिए, अ कॉमन फैक्टर, a common factor of all elements of any row or column may be taken outside, yani अगर कुछ भी कॉमन है तो हम उसको डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास है 7, या हम लोग लेते हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कहता है अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पहला रो में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना दूसरे रो में कुछ कॉमन है, लेकिन पहले रो में पहले कॉलम में कुछ कॉमन है, वो क्या है? 2। तो क्या बचेगा? 2। अब कहता है हम ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा करने का मतलब क्या हुआ? हम ऐसा तब और केवल तभी कर सकते हैं ना जब मेरा LHS RHS उसमें क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, LHS यानी 2, 3, 4, 5 स्टार्ट कीजिए। 2 × 5 − 3 × 4 हो गया 10 − 12 यानी −2। ध्यान दीजिए, इस तरह से हम क्या देखे कि LHS का ये वैल्यू मिला, और हमको देखना RHS क्या मिलता है। तो चलिए RHS भी देखते हैं। RHS क्या भाई? 2 × 1 = 3, 2 × 5 सॉल्व करते हैं इसको। 2 × 5 − 6, 2 × −1 यानी −2। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि हम कॉमन लेने के बाद डिटरमिनेंट वैल्यू वही आता है।
यानी ये कहने का मतलब हुआ कि हम डिटरमिनेंट निकाल लें या कॉमन लेके डिटरमिनेंट निकालें, दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यही मेरा पांचवा प्रॉपर्टी है कि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में यदि कोई भी संख्या या कोई भी आपका जो व्यंजक है वो अगर कॉमन है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर निकालिएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, इसी भाषा इसी चीज को हम लोग दूसरे शब्द में भी कहते हैं, क्या कहते हैं उस पर गौर करना। चलिए दिखाते हैं, इसी को दूसरे ढंग से लिखा जाता है। देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या, उसमें विचार करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी राशि या व्यंजक से गुणा किया जाता है तो सारणिक के मान में भी उसी राशि या व्यंजक से गुणा हो जाता है। यही कहता है कि यदि आप किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिटरमिनेंट में उतना से क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम रो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑफ अ रो और अ कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ सर्टेन नंबर देन डिटरमिनेंट बिकम्स मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर, यानी जिस नंबर से आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह भी आपका उस डिटरमिनेंट भी जो होगा ना उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग, क्योंकि हम आपको इसको पहले एग्जांपल से फिर जनरलाइज बताएंगे, तो प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा आपको याद हो भी जाएगा। तो ध्यान से आपको करना क्या है ना, थोड़ा सा समझना है इसको, हम इसको करें कैसे। तो देखिए यही बोलता है, वो सिंपल है, अगर सिंपल भाषा में पढ़िए तो कि हम किसी रो से या किसी कॉलम से कुछ भी बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन है तो है तो बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर हम अपने मन से किसी रो में या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लो आपके पास एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको मान लीजिए 5 मिला, कितना मिला 5, तो आप क्या किए ना कि एक रो के एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर, ध्यान दीजिएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 था, आप किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को आप क्या किए तो 5 3 से गुणा कर दिए, तो जो नया डिटरमिनेंट आपका बना उसका वैल्यू कितना होगा, तो पहले कितना था 5 ना, गुणा कितना से किए थे 3 से ना, गुणा कर दीजिए तो 5 दिया ही 15, तो नया डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 15 होगा। ठीक है, यही आपका प्रॉपर्टी है। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, देखिए कैसे दिखाते हैं। आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
चलिए देखते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सात, सात से न चलेंगे, एक दो तीन चार, दो एक दो, एक दो ले लिए। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू प्रिंट कर लीजिए, क्या होगा देखिए वन, चलिए क्या होगा देखिए दो दूनी चार और एक, फिर माइनस टू, अब क्या होगा आठ माइनस दो, प्लस तीन, अब क्या होगा फोर माइनस फोर। फिर से ध्यान लीजिए, देखिए एक लिए ये रो ये कॉलम छोड़ गया, देखिए दो दूनी चार, एक गुना एक, फिर माइनस दो लिए ये पूरा कॉलम ये पूरा रो कैंसिल, बचा कितना फोर वन टू टू टू, देखिए फोर टू जा एक, टू वन इज टू, फिर थ्री लिए सब खत्म, देखिए फोर टू टू जा फोर, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे थ्री हुआ माइनस टू, यहाँ सिक्स हो गया, हाँ तो खत्म हो गया, तो थ्री माइनस ट्वेल्व कितना हुआ माइनस नाइन। अब क्या कहता है कि अगर हम किसी रो को या किसी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें इसका वैल्यू उतना गुना बढ़ जाना चाहिए। देखते हैं दो से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, पहला रो को दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कीजिए तो दो चार छ, चार दो एक, दो एक दो, ध्यान रखिएगा जिस रो में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा बस उसी में करिएगा ना, कि मैट्रिक्स जैसा सब में कर दीजिएगा, वैसा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए इसको, तो टू कितना होगा सर, फिर से देखिए फोर माइनस वन, फिर माइनस फोर, इस बार क्या होगा एट माइनस टू, फिर प्लस सिक्स, इस बार क्या होगा फोर माइनस फोर, ध्यान दीजिएगा टू इंटू थ्री, फिर माइनस फोर, यहाँ कितना सिक्स, अब यहाँ पे जीरो वो तो खत्म हो गया, सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर घटाइए कितना माइनस एटी, तो गौर कीजिए पहले डिटरमिनेंट वैल्यू कितना था माइनस दो ना, कितना से मल्टीप्लाई किया दो सौ ने, यहाँ पे देखिए इसमें दो सौ मल्टीप्लाई वैल्यू हुआ। तो यही बोला आपको कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा उस डिटरमिनेंट वैल्यू उतना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा जनरल बनाते हैं, मतलब सिंपल ढंग से ले चलते हैं। देखिए ये तो हम आपको एग्जाम्पल से समझाए, अब आइए चलते हैं थोड़ा पॉइंट पे, हम लोग क्या है उस पर विचार किया जाए। तो देखिए ये आपका रहा, ध्यान दीजिए हम एक डिटरमिनेंट ले लिए जिसमें है ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है ये ले लिया। अब इसमें क्या कहा था कि अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्या होगा देखिए तो ए वन मल्टीप्लाई कीजिए बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, फिर माइनस ए टू, क्या होगा बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन, फिर ए थ्री लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से क्या होगा देखिए तो आपका यहाँ हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं इसको यही छोड़ देते हैं, यहाँ से देखना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें ना कि इस डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट वैल्यू हो गया, अब हम पहले रो में m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करीब क्या होगा एम ए वन एम ए टू एम ए थ्री बी वन, इसको नाम इसका नाम दे डेल्टा, ठीक है, और बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, इसका नाम हम रखते हैं डेल्टा वन। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, देखिए क्या होगा एम ए वन क्या यहाँ पे होगा आपका देखिए तो बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, फिर माइनस एम ए टू क्या होगा बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन, फिर प्लस एम ए थ्री क्या होगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये मिला हमको। अब हम क्या करते हैं सबसे एम कॉमन ले लेते हैं, ले देखिए तो एम ले लिया कॉमन, क्या बचा मेरे पास ए वन बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, ए टू बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन, प्लस ए थ्री बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, और इससे क्या हमको मिला देखिए तो ये किसका वैल्यू था, ए ना वैल्यू देखिए डेल्टा का है, तो यानी हमको हम इस बराबर लिख सकते हैं एम डेल्टा, यानी हमें क्या दिखा
कि डेल्टा डैश का वैल्यू एम इनटू डेल्टा के बराबर होता है। यानी सारणिक में यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारणिक का मान उतना गुना बढ़ जाएगा। या दूसरे भाषा में यदि कुछ भी कॉमन दिखता है रो में तो आप बाहर निकाल सकते हैं, कॉलम में दिखेगा तो वहां से बाहर निकाल सकते हैं आप। तो यही था मेरा पांचवा प्रॉपर्टी। अब आइए हम आपको छठे प्रॉपर्टी के पास ले जाते हैं कि छठा प्रॉपर्टी मेरा क्या बोलता है। चलिए प्रारंभ करते हैं, देखिए तो छठा प्रॉपर्टी के पास चलते हैं। और आप लोग प्रॉपर्टी को थोड़ा याद करिएगा, क्योंकि अब जिस टाइप में हम लोग जिस टाइप का प्रॉब्लम बताना आपको स्टार्ट करेंगे वो सारा चीज प्रॉपर्टी पे बनता है, तो आपको थोड़ा ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो चलिए आज का हम अगला प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, यानी छठा। देखिए छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है, छठा प्रॉपर्टी यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों, या व्यंजक भी बोला जाता है इसको, राशियों का योग हो तो सारणिक उसी क्रम में दो से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम रो और कॉलम, इज द सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स वन कंटेनिंग ओनली द फर्स्ट टर्म इन प्लेस ऑफ इच सम द अदर ओनली द सेकेंड टर्म्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ डिटर्मिनेंट आर द सेम। ध्यान दीजिए, इसमें यही कहा जा रहा है आपको कि
देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रॉपर्टी में जो बोल रहा है हम लोग उस पर गौर करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, इसको तो देखिएगा थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा, हम आपको बताते हैं कैसे काम करेंगे। देखिए आपको इसको सॉल्व करना ध्यान से, आइए सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं, मान लीजिए डिटरमिनेंट के लिए 3 + 2, ठीक है, यहाँ ले लिए हम 1 + 3, यहाँ ले लिए 2 + मान लीजिए 1, फिर यहाँ लिए 3 1 2, यहाँ लिए 1 2 1, ऐसा लिए। तो कहता है इस डिटरमिनेंट में यदि कोई रो या कॉलम 2 या 2 से अधिक, इससे भी ज्यादा ले सकते हैं, तो इसके डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा ना, आप वैसा ना करके आप ऐसे भी करके बना सकते हैं। देखिए कैसे, क्या आप उसका पहला लिमिट लीजिए 3 1 2, यहाँ पे 3 1 2 1 2 1, या फिर प्लस इस फॉर्म में 2 3 1 3 1 2 1 2 1, यानी मेरा जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाएगा। यही कहता आपको कि आपका जो जितने पार्ट्स में होगा उसको ले लेगा, अलग डिटरमिनेंट बनाइएगा, बाकी एलिमेंट को सेम रहने दिया, इसमें कोई चेंजिंग करना आपको नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे इसमें 3 1 2 है, यहाँ लिखे 3 1 2 है, यहाँ 1 2 1 है, यहाँ 1 2 1 है, बदला कौन के बाद हम उसको 2 या 2 से 1 पार्ट में तोड़ेंगे जो कि प्लस के फॉर्म में रहेगा। तो आपको देखना है कि दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होता है। ये देखिए तो LHS, ठीक है, 3 + 2 1 + 3 2 + 1 3 1 2 1 2 1, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 + 2 5 4 3 3 1 2 1 2 1, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, 5 ले लिए हम तो 1 - 4 हो गया, -4 लिए हम तो क्या हुआ 3 - 2 हो गया, अब क्या किया हम +3 ले लिए तो 6 - 1 हो गया, इसको सॉल्व कीजिए तो 5 - 3 - 4 1 + 3 × 5, यहाँ हो गया -15, यहाँ -4, यहाँ +15, यानी इसमें डिटरमिनेंट का LHS का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या मिला हमको, LHS का डिटरमिनेंट वैल्यू मिला हमको -4, LHS में हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना मिला -4। अब हमको ये देखना है कि क्या मेरा RHS उतना मिलेगा हमको, देखते हैं आइए अब RHS निकालते हैं। RHS पहले लिख लेते हैं हम लोग इधर, देखिए क्या है RHS है 3 1 2 3 1 2 1 2 1, फिर +2 3 1, यहाँ पे 3 1 2 1 2 1, अब इसको क्या करते हैं हम इसका RHS सॉल्व करके देखते हैं कुछ कितना मिलता है, फिर हमको खुद पता चल जाएगा कितना वैल्यू होगा, अगर दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब ये प्रॉपर्टी काम करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं तो 3 3 ये तो क्या बचेगा, देखिए 1 × 1 - 4 1 - 4, फिर -1 लिए 3 - 2 हो गया, फिर हम लिए +2 यहां से हो गया 6 - 1, ये एक हिस्सा हो पहले डिटरमिनेंट। अब आइए हम लोग दूसरा डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या दूसरा डिटरमिनेंट में क्या होगा अपना, तो +2 लिए फिर यहाँ क्या होगा 1 - 4, फिर -3 लिए तो अब क्या होगा इस बार यहाँ पे तो 3 - 2 हो गया, फिर +1 लिए तो हो गया 6 - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे -3 यानी -9, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10, वहां पे -6, वहां पे -3, वहां का 5। अब देखिए क्या होगा, माइनस वाला का हिसाब प्लस का हिसाब कर दीजिए तो ये 15 प्लस में हो गया 1, और ये देखिए 15 माइनस में खत्म हो गया, ठीक है, बचा कितना आपके पास -4। तो आप गौर कीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे
हम लोग जब LHS निकाले थे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना मिला था, -4 मिला था हम लोगों को। अभी हम जब RHS सॉल्व किए तो वहां भी कितना वैल्यू मिला, -4 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस टाइप का प्रॉपर्टी यूज करें तो मेरा लीगल है। तो आइए सर इसको जनरल में दिखा देते हैं, आपको लिखना कैसे वो देखिए। देखिए डिटरमिनेंट मान लीजिए आप लेते हैं A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस बीटा, A3 प्लस गामा, यहाँ लिए B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए या फिर इस तरह से दो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिए, दोनों का आपको व्यवस्था समान दिखेगा। ध्यान रखिए जिसमें प्लस माइनस है केवल वही बदलेगा, बाकी सब कुछ जैसे वैसे ही रह जाएगा। देखिए अल्फा B1 C1 बीटा B2 C2, यहां गामा B3 C3। तो ये प्रॉपर्टी यही है कि अगर आपके किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में अवयव दो या दो से अधिक राशियों के योगफल के रूप में हो, यदि दो है तो हम दो सारणी का योग करके निकालेंगे। अगर ये तीन होता, मान लीजिए इसमें यहाँ पे हम डेल्टा दे देंगे तो एक डिटरमिनेंट और बढ़ जाएगा। अगर दो है तो दो डिटरमिनेंट लिखे हम, अगर तीन रहेगा तो यही तीन डिटरमिनेंट लिखेंगे। तो यही आपका प्रॉपर्टी हो छठा। अब आते हैं हम आपको सातवां प्रॉपर्टी बताते हैं क्या है। देखिए सातवां प्रॉपर्टी हम लोगों का किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुना कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से सारणिक का मान नहीं बदलता है। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट does not change when any row or column is multiplied by a number and is the and is then added to or subtract added or subtracted from any other row or column। ध्यान दीजिएगा ये प्रॉपर्टी है जिसमें बोलता है कि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर उसे दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ में जोड़ने
या घटाने से सारणिक का मान नहीं बदलता है। यानी अगर हम किसी रो में या किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम पहले रो को लेके चलते हैं, पहले रो में अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे में क्या करें, जोड़ दें या फिर घटा दें, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं कि यदि हम मान लीजिए तीसरे कॉलम को लेते हैं और तीसरे कॉलम में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको पहले में जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, ये इसका कहना है। आइए इसको चेक करते हैं हम लोग कैसे होता है ये। तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक डिटरमिनेंट लेते हैं। देखिए अब हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं, सबसे पहला मान लीजिए कि हम डिटरमिनेंट ये ले, उसमें नंबर डाले, बहुत आसान डालिए, 1 2 3 2 1 2 3 1 2, ठीक है, ये ले लिए। अब क्या करते हैं, हम पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं कितना है। चलिए हम पहले रो से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 1 स्टार्ट कीजिए, 1 × 2 2 माइनस 2, फिर यहाँ माइनस 2, यहाँ से मल्टीप्लाई किए, 4 − 6, फिर प्लस 3, 2 − 3, यानी यहां से हो गया ये 0 खत्म। यहां ध्यान दीजिए, −2 × −2 +3 × −1, यहां से 4, ये 3, यानी डिटरमिनेंट कितना मिला हमको, तो 1 मिला। ध्यान दीजिएगा, हम आपके सामने एक एग्जांपल लिए हैं, यानी एक डिटरमिनेंट लेके चले हम, उस डिटरमिनेंट को क्या किया, पहले हम एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल दिए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना मिला हमको, 1। अब अगर इस प्रॉपर्टी को हमको आजमाना है कि ये जो दिया गया मेरा प्रॉपर्टी है वो कहीं सही है या गलत है, हो सकता है गलत भी हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसको चेक करना होगा। चेक करने में क्या रूल था कि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हमारी मर्जी उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसको किसी दूसरे के साथ, जैसे मल्टीप्लाई उसके साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ हम उसको प्लस करें या फिर माइनस करें, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है ना वो नहीं बदलता है। यानी अगर अभी हमको डिटरमिनेंट वैल्यू 1 मिला है तो उसमें भी 1 मिलना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो दिया गया प्रॉपर्टी सही माना जाएगा, अदरवाइज दिया गया प्रॉपर्टी हम गलत मान लेंगे। तो चलिए चेक करते देखते क्या होता है, हो सके पता नहीं क्या होगा। आइए तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि हम पहला रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, तो 4 से, ठीक है, और फिर उसको दूसरे में हम ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें कर रहे हैं ना कि पहला रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से, 4 से, और उसको दूसरे रो में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग करते हैं। देखिए क्या होगा, मेरा नया डिटरमिनेंट बनेगा जिसको डेल्टा 1 बोल देते हैं, वो इसके हिसाब से क्या होगा, तो हम बदलाव कर रहे हैं रो 2 को, रो 2 में ऐसा कर रहे हैं, तो सारी की सारी जो प्रक्रिया होगी वो रो 2 में जाके होगा, यानी इसमें ना रो 1 चेंज होगा ना रो 3 चेंज होगा, तो जो चेंज है उसको लिखिए, तो 1 2 3 3 1 2। अब आइए काम स्टार्ट, देखिए R2 कितना है, 2 1 2 है। अब हम R1 में 4 से गुना कर देते हैं, करिए, तो 4 यहाँ पे 8 यहाँ 12, यानी 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 में किए तो 8 और 3 में किए तो 12, दोनों को प्लस करिए, तो 4 2 6, 8 1 9 और 12 2 14, देखिए इसको 6 9 और 14। अब यदि हम सॉल्व करें, 1 आया तो ठीक ठाक, देखते हैं क्या होता है। अब इसको हम लोग बढ़ाते हैं यहां से आगे, याद रखिएगा हम लोग जो पहले डिटरमिनेंट निकाले उसका वैल्यू 1 था, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो यहां से 1, ये पूरा रो पूरा कॉलम खत्म, यहां से सॉल्व कीजिए, 9 × 2 = 18 और यहां 14, फिर −2, फिर ये पूरा खत्म, यहां से 6 × 2 = 12 और यहां पे 14 दिया 42, फिर यहां पे +3, अब हम यहां देखते हैं तो 6 − 97, बढ़ाइए इसको, यहां पे सब्ट्रैक्ट होके 4 बचेगा, −2 घटा लीजिए 0 30, यानी −30, फिर +3, अब 6 घटाइए उसमें तो कितना, −21 ना, सॉल्व करते हैं इसको, 4 − − +30 = 60,
और यहाँ से किस दिया 63। अब देखिए यहाँ पे 64 प्लस में 63 माइनस में फिर वैल्यू कितना मिला, 1 मिला ना। तो गौर कीजिए जब हम पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले थे जिसको हम नॉर्मल लिए थे अपने मन से उसका वैल्यू 1 मिला था, लेकिन हम क्या किए फिर एक नया डिटरमिनेंट निकाले जिसमें क्या किए कि पहला रो में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको हम दूसरे रो में ऐड कर दिए थे। ऐसा करने के बाद हमको ये डिटरमिनेंट मिला, तो पहले वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 1 था और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी कितना मिला हमको, तो 1 ही मिला। यानी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सटीक है। अब आइए हम आपको कुछ प्रॉपर्टी और बताते हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टी जो है वो कैसा है उस पर ध्यान देते हैं। तो अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है कि यदि सारणी की आव्यूह यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो n ऑर्डर का है लेकिन वह डायगोनल है। ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी मेरा है अब अगला। तो ये जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि यदि सारणिक की आव्यूह ए ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन एन कोटि का विकर्ण आव्यूह हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ए वन वन ए टू टू डॉट डॉट ए एन एन यानी क्या हुआ, तो विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, विकर्ण के अवयवों का गुणनफल इफ इफ ए इज अ डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए वन वन ए टू टू डॉट डॉट ए एन एन इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल, हम लोग लिखते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब ये प्रॉपर्टी यही बोलता है आपको कि यदि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है ठीक है तो आप क्या करो उसके सभी डायगोनल का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो वैल्यू होगा आपका उसी का आपका क्या वही जो उसका होगा उस मैट्रिक्स का यानी जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा उसी के डायगोनल के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी डायगोनल के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना आपको यही करना है। चलिए देखते हैं इसको, सपोज कीजिए एक आप ले लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स याद है ना आपको, हाँ एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो वैसे ही हम लोग चलेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स का जो है वो टू टाइप होता है, पहला एक को हम बोलते हैं अदिश जिसको आप स्केलर बोलते हैं और एक कौन सा है तो इकाई या तत्समक जिसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं मान लीजिए मैट्रिक्स है 3 0 0 5 ठीक है, हम एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिए। अब आप क्या करो पहले इसका डिटरमिनेंट देखते हैं हम लोग, तो अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखे तो क्या होगा 3 0 0 5 यानी मैट्रिक्स का सिंबल छोड़ के हम लोग डिटरमिनेंट का सिंबल डाल देंगे। अब जरा सॉल्व कीजिए इसको तो क्या होगा 5 3 15 माइनस 0 यानी 15। अब आप देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा तो जो वैल्यू आपको मिला अगर हम इसको एक्सपेंड करें आपके सामने तो कैसा होगा देखिएगा 3 into 5 फिर माइनस 0 into 0। अब बताइए अगर हम 0 नहीं लिखे
इसमें हम जीरो नहीं लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो इसको अगर सपोज कीजिए नहीं लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस डायगोनल का जो मैट्रिक्स था उसका जो डिटर्मिनेंट निकाले थे तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू केवल डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लाई के बराबर हो रहा है ना। तो ये 2x2 ऑर्डर कर लिए। एक और लेते हैं, सपोज कीजिए हम एक और एलिमेंट यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं, वो भी डायगोनल है, 5 0 0 0 7 0 0 0 8। ठीक है, ये हम फिर से वापस एक मैट्रिक्स ले लिए। अब आप क्या करो, इसको पहले इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो डिटरमिनेंट का सिंबल डालिए, तो 5 0 0 0 7 0 0 0 8। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो जैसे एक्सपेंड कीजिए इसको, तो 7 0 0 8, फिर यहां 0 0 0 0 8, फिर प्लस 0 0 7 0 0। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला टर्म छोड़ के बाकी दोनों लिखना हमारे लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि यहाँ आगे जीरो है। अब जीरो के साथ हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें, किसी भी फॉर्म में कोई नंबर हो, तो रिजल्ट हमको जीरो देगा। तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो उस पे ध्यान दीजिए आप। तो 5, अब उसका पूरा सिस्टम देखिए, तो क्या लिखते हैं आप, 7 × 8 − 0 × 0, जीरो को मारिए गोली, क्योंकि उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, 5 × 7 × 8। तो ध्यान दीजिए, इस डिटरमिनेंट यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स था उससे जो डिटरमिनेंट बना है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लाई के बराबर हो रहा है, 8 × 5 = 40 और 7 × 6 = 28 = 280। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर आपको कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स का, अगर आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो आप सीधे उसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अब अगला प्रॉपर्टी है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, वो क्या है, देखिए आगे का प्रॉपर्टी है, यदि आव्यूह ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाय एन तथा के अदिश है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसमें बोल रहा आपको कि यदि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है एन बाय एन, तो अगर इस तरह का आप करके आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, लेकिन कब, जब उस मैट्रिक्स में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2x2। अच्छा, आप लोगों सभी को पता होगा कि डिटरमिनेंट केवल किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। चलिए बहुत अच्छा, तो ध्यान दीजिए, अगर डिटरमिनेंट ए सॉरी मैट्रिक्स आपके पास ए जिसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इस डिटरमिनेंट ए में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और आपको अब इस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना। ध्यान दीजिएगा, ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई किए, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बोलता है कि इसका जो वैल्यू होगा ना वो 5, यानी जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उस नंबर को लिखिए, और जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास था उसका उतना पावर बनाइए, तो 2x2 ऑर्डर का था इसका पावर हो गया 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके बराबर। चलिए दूसरा दिखाते हैं आपको, सपोज कीजिए कि आप एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर है 3x3, यानी हम 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिए, अगर हम इस मैट्रिक्स ए में अगर मल्टीप्लाई करें 7 से, और तब इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालें, जब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिएगा, इसका जो वैल्यू होगा वह इस नंबर 7/3, यानी जितने ऑर्डर है उतना पावर, और उस डिटरमिनेंट के उसका डिटरमिनेंट वैल्यू दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर 4x4 ऑर्डर का रहेगा तब यहाँ पावर 4 लिखते, 5x5 ऑर्डर होता पावर कितना लिखते, 5 लिखते। ये प्रॉपर्टी आपसे यही कर रहा है बस। अब आपको ना हम इसका एक दो एग्जांपल दिखाते हैं जो प्रॉब्लम में भी है, लेकिन आप उसको पहले देखिए फिर हम लोग इस प्रॉपर्टी को देखेंगे बाद।
तो देखिए प्रॉपर्टी है क्या, इसके लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारा देखिए, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम ना, उसको देखिएगा। आइए मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, सॉरी एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 4, 2। हम देखिए रो वाइज लिखे हैं। अब आपको इसमें कहता है प्रूफ कीजिए आप कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। ये प्रूफ करने के लिए कहता है। तो ध्यान दीजिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 2 था ना। तो जैसे 2 by 2 ऑर्डर था तो प्रॉपर्टी के हिसाब से था कि जितना मल्टीप्लाई कीजिएगा उस पर उसी ऑर्डर का पावर होगा। यानी अगर 2 by 2 ऑर्डर है तो पावर 2 होगा, 3 by 3 ऑर्डर होता तो पावर कितना होता, 3 होता। और इधर डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा ये प्रॉपर्टी है। तो इसको हमको प्रूफ करके दिखाना। प्रूफ करने का मतलब ये हमें देखना है कि इसका LHS जो है वो RHS इक्वल है या नहीं है। तो ये थ्योरी प्रूफ हो जाएगा, सॉरी ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले 2a निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए जिस तरह से अगर हम डिटरमिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम डिटरमिनेंट में किसी नंबर को आगे रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटरमिनेंट के केवल एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी अगर हम पहला रो में करेंगे तो दूसरा में नहीं करेंगे, अगर दूसरा में करेंगे तो पहला में नहीं करेंगे। ये डिटरमिनेंट में होता है। आप कॉलम को भी अगर पकड़िएगा तो कॉलम में पहला, अगर पहला कॉलम में कीजिएगा तो दूसरा में नहीं कर सकते, दूसरा में कीजिएगा तो पहला में नहीं कर सकते। लेकिन मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि हम किसी भी स्केलर से यानी किसी भी अदिश राशि से अगर हम गुना करेंगे तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव में वह जाके गुना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम 2a निकालते हैं तो क्या होगा, 2, 1, 2, 4, 2 मल्टीप्लाई कीजिए इसको और 2a इक्वल्स टू यहां हो गया 2, 4, 8, 4। ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स में अगर बाहर गुना करेंगे तो सब में गुना होगा, लेकिन यही काम अगर हम डिटरमिनेंट के साथ करते तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इस बात को ध्यान रख के चलिएगा, ये ना कि बाबू बस इसी में गड़बड़ हो जाए। देखिए हम क्या किए, ध्यान दीजिएगा, हम पहला रो में मल्टीप्लाई किए, देखिए दूसरा रो में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, दूसरा रो जैसे का वैसे रहा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में यदि आप बाहर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव के साथ गुना होगा। यहां गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, अब हम आपको बना दिखाते हैं। तो हम क्या किए, मेरे पास मैट्रिक्स ए भी है और मैट्रिक्स 2a भी है, तो हम इसका LHS पे ध्यान देते हैं। देखिए LHS, जब LHS पे चलेंगे हम तो हमको डिटरमिनेंट ऑफ 2a चाहिए, LHS, ठीक है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ 2a। तो चलिए डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो 2a ही है मेरा है, तो कितना हुआ 2, 4, 8, 4। सॉल्व कीजिए इसको, तो यहां से हो जाएगा 4 × 2 = 8 − 32। जब 32 में 8 घटा लीजिएगा तो शायद 24 ही होगा, क्या सही ना। चलिए बहुत अच्छा। अब भाई बंधु RHS में चलते हैं हम लोग। RHS क्या भाई, तो 4 × डिटरमिनेंट ऑफ A। चलिए बढ़ते आगे, 4 डिटरमिनेंट A यानी मैट्रिक्स A पहले हमको आना होगा। तो ये मैट्रिक्स ये दिख रहा है आपको, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाइए, तो 1, 2, 4, 2। तो ये आपका हो गया 4, यहाँ 2 − 8 यानी 4 × −6 यानी −24। हम क्या देखते हैं कि मेरा LHS और RHS दोनों बस में इक्वल है, हो गया ना। यानी जिस प्रॉपर्टी को हम बता रहे थे उसका ही एक आपके सामने एग्जांपल था। एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, और ये जानते हैं संयोग से जिसको हम लेके चल रहे ना वो आपके बुक का एक प्रॉब्लम भी है। एक प्रॉब्लम और है वो भी देख लीजिए। तो वो क्या है, एक लेते हैं हम उसको लेके चलते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, ए बराबर दिया गया आपको कितना है, तो 2, 4 − 5 − 1। आपको शो करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 9 × डिटरमिनेंट ऑफ a, आपको प्रूफ करना है। तो बहुत आसान,
चलिए 3 निकालते हैं, सब में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 12 माइनस 15 माइनस 3 कर दिए। अब चलिए बाबू LHS स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट ऑफ 3 है, चलिए लिखिए 6 12 माइनस 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 18 ठीक है, और 15 को ना 12 से तो 15 को 12 से ना तो 12 25 60 0 बाकी 6 और 12 6 18 180 तो माइनस माइनस प्लस 180। अब 180 में आप क्या कीजिए, 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 और यहां से 7 1 गया तो 6 यानी हो गया आपका कितना 162। ध्यान से देखिए फिर से 3 ये जो हम क्या किए इसमें 3 तो सबसे 2 से 3 से गुणा कीजिए 3 2 6 4 3 12 7 3 15 और 3 वैल्यू लिख चले लिखिए माइनस ये 6 इंटू माइनस 3 तो माइनस 18 यहाँ भी माइनस होगा लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका आपका प्लस हो जाएगा। अब 180 में 18 घटा दीजिए देखिए 2 यहाँ 7 था 7 में गया तो बच गया आपके पास 6 और इतना 162 आपका वैल्यू हो गया। अब हमको क्या करना है ये दूसरा सिस्टम देखना क्या होता है, चलिए RHS 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 9 अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब 2 4 माइनस 5 माइनस 1 यहां से हो गया 9 माइनस 2 प्लस 20 9 18। अब आप देखिए इक्वल हो गया ना आपका, तो यही था। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो बता देते हैं आपको, देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है बहुत आसान है उसको आप लोग सब लोग स्वयं देखिएगा थोड़ा ध्यान से घर में। बोलता है कि अगर ए और बी दोनों समान कोटि का कोई अवयव है, यानी आपके पास एक अवयव है ए और दूसरा है बी और दोनों का ऑर्डर सेम है, तब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालिए या डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए दोनों वैल्यू इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा हम आपको समझा देते हैं, ए और बी यदि दो समान कोटि के वर्ग अवयव हो यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लास्ट है यही, यदि ए एवं बी समान कोटि का दो वर्ग अवयव हो तो बोलता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी या इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, यही आपका लास्ट प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिएगा अब कल यानी कल के क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज से प्रॉब्लम बताना आपको, आप लोग ध्यान से थोड़ा इसको देख लीजिएगा और फिर तो हम आपसे कल मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान दीजिए सब चीज़ों पे।